तो भाई जिस घड़ी का इंतजार था सबको वो आ ही गई है। और भारतीय टीम अब फाइनल खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ। 20 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने का पूरा मौका है और इस बार टीम इंडिया तैयार भी है और उस तरीके से जज्बे के साथ। ये क्या भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी और हराने के लिए टीम इंडिया को क्या करना होगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अहमदाबाद में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कैसे हराएगी, इसको लेकर मेरी प्रेडिक्शन होगी आपके साथ। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप पहली बार देख रहे हो तो। तो दोस्तों, अहमदाबाद में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मुकाबला होने वाला है ना, तो वहाँ पर बैटर्स का डोमिनेशन तो आपको देखने को मिलेगा ही, प्लस में स्पिनर्स का जादू वहाँ कुछ ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय स्पिनर्स का कितना बड़ा रोल रहा है। शमी अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे। इस मैच को अगर हम शुरू से देखें ना कि क्या हो सकता है, तो भाई आपको चेस करना आसान रहने वाला है और यहाँ पर जो है ओस पड़ने की उम्मीद रहती है, जिस वजह से आपके बैटर्स यहाँ डोमिनेट कर सकते हैं वाइल चेजिंग। पर इंडिया आपको इजीली चेज भी नहीं करने देगी, फाइनल का प्रेशर होगा। तो ये डिसीजन आपके कैप्टन पर डिपेंड है, पर मेरे हिसाब से जो भी टीम टॉस जीतेगी ना, वो मेरे हिसाब से बैटिंग का फैसला लेगी, चाहे जो मर्जी यहाँ का हिस्ट्री रहा हो। पर यहाँ पे एक प्रेशर नाम की चीज़ है और बैटिंग लेके आप यहाँ पे बड़ा स्कोर लगाएंगे और आप अपने टीम के जो स्कोर बनाएंगे उसको डिफेंड कर सकते हो। और जो सेकंड की आपका जो रोहित शर्मा कंट्रीब्यूट करते हुए आए ना, वही कैरी फॉरवर्ड करना होगा, 40-50 तेज दे दे। और इस बार थोड़ा सा अगर संभल भी जाए तो 70-80 अगर रोहित शर्मा तेज बना दे टीम इंडिया के, 10 ओवर में अगर 70 से प्लस जब भी टीम इंडिया ने बनाया है ना, कोई भी टीम आसपास भी नज़र नहीं आई है। और गुजरात की पिच पर तो रोहित शर्मा बिल्कुल आराम से खेल सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया किसी भी गेंदबाज को। सेकंड जो कि टीम इंडिया को करना है कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले गेंदबाजी करता है तो प्रॉपर 5 गेंदबाजों के साथ वो नहीं जाएंगे, उनके पैट कमिंस, मिथुन स्टार्क, हेजलवुड और जंपा, ये 4 प्रॉपर बॉलर है। और जो 5वां गेंदबाज है ये आपके मैक्सवेल को और आपके ट्रेविस हेड को, देन मिच मार्श को, इन तीनों को यूज़ करके ये अपना 5वां बॉलर, यानी 3-3, 4-4 ओवर निकलवाएंगे इनके। और 5वां बॉलर को आप टारगेट कर सकते हो, अगर टॉप 4 बॉलर्स में से अगर आप किसी को टारगेट कर लो तो आपके पास एडवांटेज रहेगी। ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान है वो थोड़े से प्रेशर में ज़्यादा नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर टीम इंडिया को अटैकिंग माइंडसेट के साथ ही जाना है और थोड़ी सी सेंसिबल क्रिकेट खेलनी है। जो रोल निभाते आए हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में वही आप निभाते कर सकते हो। और तीसरा कि ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर्स हैं ना, वो हमारी जैसी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, जैसे हमारे रोहित तो शुभमन गिल तेज शुरुआत करते हैं, वही वार्नर और ट्रेविस हेड करते हैं, बेशक से आउट हो जाए नो प्रॉब्लम, वो आपको 5-7 ओवर में आपको 70-80 लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर उसी दौरान उनको आउट कर दो तो आपके पास मैच आ जाएगा। दूसरा स्टीवन स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, ये 2 ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जब भी कोई बड़ा मुकाबला जीतती है ना, इन दोनों के की रोल्स रहते हैं उसके अंदर, तो उनको आप जल्दी से जल्दी आउट कीजिए, तभी आप इस मुकाबले में बने रह सकते हो। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी अटैकिंग रहेगी, वो डिफेंसिव नहीं खेलेंगे, और जिस अगर आप उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करोगे तो अगर टीम इंडिया 300 से कम का भी टारगेट बनाएगी ना, तो वो भी डिफेंड कर सकती है मेरे हिसाब से। तो यही रीज़न है भाई टीम इंडिया यहाँ पे टॉस जीत के मेरे हिसाब से बैटिंग का फैसला लेगा कोई भी ले, और यहाँ पे टीम इंडिया टॉस पर डिपेंड नहीं है भाई, चाहे हम चेज करें डिफेंड करें, दोनों तरीके से भारतीय टीम यहाँ आपको वर्ल्ड कप जीतते हुए दिख रही है। और मैं यहाँ पे 70% टीम इंडिया को हाई रखूंगा ऑस्ट्रेलिया से, जो कि इस वर्ल्ड कप में पूरी डोमिनेंस के तरीके से आगे बढ़े, बस स्ट्रेटजीज पर आगे बढ़ते रहें। और हर एक खिलाड़ी को अपनी कैचिंग पोजीशंस और ग्राउंड फील्डिंग अच्छी करनी होगी, और एक रॉकेट आर्म थ्रो और एक अच्छी थ्रो और एक अच्छा सेव आपको इस मुकाबले में बहुत आगे लेकर जा सकता है। और इस मुकाबले में जो की प्लेयर्स होने वाले हैं टीम इंडिया की तरफ से, वो आपके होने वाले हैं 1 विराट कोहली, 2 रोहित शर्मा। ये दो बॉलिंग में जो मेरे की प्लेयर्स होंगे वो होंगे शमी और कुलदीप यादव, इनका ऑस्ट्रेलिया पर मेंटल बैरियर है ही, और मेरे हिसाब से अश्विन को ये नहीं खिलाते हुए दिख रहे। और आप बताइए आपकी क्या प्रेडिक्शन है फाइनल को।